करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ, आपको एक फिगर गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया गया है जिसमें क्यू आपका राइट एंगल है, आर एंड पी 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10 पी माइनस 4 आर, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा था यदि टू साइड्स आपको गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, थर्ड साइड फाउंड आउट करते हैं। तो थर्ड साइड कैसे करोगे, थर्ड साइड क्या मेरे पास बेस, क्या फॉर्मूला बनेगा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब एच कितना आपके पास 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 169 माइनस 144, b is equal to 25 and b is equal to 5। अब जो मेन बात आपने ध्यान रखनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 p और cot r, यानी कि cot r की वैल्यू तो आप इसी से निकाल लोगे, cot r की वैल्यू कितनी बनेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो cot किसके अपोजिट होता है, 10 के, यानी कि b upon h, तो कोर्ट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमसे आपके पास 5 by 12, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10 पी, तो एंगल कहाँ पे बनना चाहिए मेरा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल आपकी दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें यहाँ पे हमें एंगल किसका लेना है, पी, यहाँ पे हमारे पास क्या था आर, बट जो मेन पॉइंट है आपका वो ये है कि जो आपका क्या है, यानी कि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो राइट एंगल आपका यही रहेगा क्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर, आर एंड पी की पोजिशन क्या हो जाएगी आपस में इंटरचेंज, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 5, क्यू पी की वैल्यू कितनी है 12, और आर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, आपकी जो एच की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपका जो परपेंडिकुलर है जो बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से 10 पी की वैल्यू आप निकाल, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो आपके पास यहाँ पे एंगल होगा वही आपके पास यहाँ होना चाहिए, तो 10 पी की वैल्यू कितनी जाएगी परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया होगा 5 और बेस कितना आपका 12, 10 पी कितनी हो जाएगी 5 बाय में 12, कोट आर की वैल्यू कितनी बनेगी, कोट किसके इक्वल होता है 10 किसके इक्वल बनेगा पी बाय बी के, तो कोट इसका अपोजिट बी अपॉन पी, b कितना हमारे पास यहाँ पे 5 और p कितना है 12, इक्वल 5 by 12 minus 5 by 12, आपका आंसर कितना आ जाएगा 0, यही हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली।